नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जर्नलिज्म स्ट्रेंट इन हिंदी में। इसके पार्ट वन में मैंने बात किया था भारत का संविधान, वहीं पार्ट टू लेकर आए हैं भारत के संविधान की विशेषताएं। जो भारत है, भारत का संविधान विश्व के तमाम लोकतांत्रिक देशों में सबसे अनूठा और सबसे श्रेष्ठ है। यह संविधान विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में कामयाब भी रहा, इसीलिए भी इसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जो भारत का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि देश के नागरिकों में अमीर गरीब, लिंग के आधार पर तथा जाति या फिर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए तथा प्रत्येक नागरिक को समान सामाजिक अधिकार तथा विकास के मौके उपलब्ध कराए जा सके। हमारा संविधान देश के नागरिकों को एक समान सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। इस संविधान की एक प्रमुख विशेषता है किसका वृहद स्वरूप लिखित रूप में होना। अमेरिका जैसे विकसित तथा पुराने लोकतंत्र के मुकाबले भी यह बहुत ज्यादा विस्तृत तथा व्यापक है। हमारे संविधान के 395 अनुच्छेद और 9 परिशिष्ट हैं। इस प्रकार यह विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान भी है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा अमेरिका का संविधान अत्यंत संक्षिप्त 7 अनुच्छेद में है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारतीय गणतंत्र विभिन्न राज्यों का एक संघ है। वर्तमान में देश में दिल्ली सहित कुल 29 राज्य हैं। विभिन्न शक्तियों व अधिकार केंद्र व राज्यों को सौंपे गए हैं। कुछ अधिकार जो है समान रूप से राज्य और केंद्र में विभाजित किए गए। हमारी न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के राजनैतिक तथा प्रशासनिक दबाव से मुक्त तथा स्वतंत्र रखा गया। देश के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें हमारा है समानता का अधिकार है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, वही तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। इन अधिकारों के साथ ही 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिनमें संविधान, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का अनुसरण, देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा, आवश्यकतानुसार देश की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और महिलाओं का सम्मान, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक रुझान, मानवता और सुधार की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा की रोकथाम तथा उत्कृष्टता की। भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं जो उसे हर स्थिति में संभाले रहते हैं तथा मजबूती भी प्रदान करते हैं। ये है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया यानी कि प्रेस।